इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सिहासा सरपंच को 80,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। सरपंच द्वारा मछली पालन व्यवसाय से रिश्वत की मांग की गई थी। इंदौर लोकायुक्त संगठन के डीएसपी प्रवीण सिंह बघेल की टीम ने सिहासा गांव की सरपंच नारायण सिंह को 80,000 की रिश्वत लेते पकड़ा है। आवेदक सिहासा गांव में बनी खदान में मछली पालन का काम करता है। सरपंच उसी एवज में उससे रिश्वत की मांग की थी। फरियादी के अनुसार अब तक वो 1,00,000 रुपए साल देता था। इस बार सरपंच ने 2,50,000 रुपए सालाना मांग लिए, जिसकी उन्होंने लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर लोकायुक्त की टीम ने बुधवार को सरपंच को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। इनकी शिकायत का सत्यापन कराया गया था तो शिकायत जो है सही पाई गई। शिकायत सही पाए जाने पर आज ट्रैप दल का गठन किया गया और नारायण चौहान को 80,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे ट्रैप किया गया है। जो रिश्वत की राशि थी इन्होंने अपने एक साथी कियोस्क संचालक को देने बोला तो उसे भी जो है इसमें सहभागी बनाया जा रहा है। ये क्या पैसे कुछ ऑनलाइन दुकान पर देने की भी बात की? हाँ, वही जो कियोस्क संचालक है वर्मा, उसका नाम है शिवराज वर्मा, उनके पास इन्होंने कहा कि उसे पैसे दे दो, उसे मैं ले लूँगा। मोबाइल में फ़ोन करके उसे बताया था। पंचायत के खाते में डालने से बात सामने आई? पंचायत के खाते में तो मेरी इसमें जो कागज मिलेंगे और जो विवेचना होगी उससे पता लगेगा कि क्या इन्होंने पंचायत के खाते में डाला है, क्योंकि इनका आवेदक का ये भी कहना था कि ये काफ़ी सालों से मछली पालन का व्यवसाय करता है और व्यवसाय के दौरान इसने पुराने सरपंच से भी जो है मछली पालन की अनुमति दी हुई, चूँकि वो जो तालाब या जिसे अपन गड्ढे कहें वो सिहासा आईटी पार्क बना हुआ है वहाँ के उसमें बने हुए हैं, वहाँ पानी जनरली जो बरसात का पानी रहता है तो उसके आवेदक के अनुसार एक गड्ढे में तो पूरे साल भर पानी रहता है, एक में सूख जाता है, उसी में ये अपना जो है मछली पालन करके और अपना जीवन यापन करता है। अब इसको लगा होगा कि जो है ये ज़्यादा है, नेगोशिएशन की कोशिश करी होगी, नहीं हुई तो इसमें शिकायत करी और ये शिकायत सही थी, इसलिए आज 80,000 रुपये 2,000 के नोट थे सर जी, 2,000 के नोट, 2,000 के नोट अब बंद हो गए हैं, 500 के नोट हैं। और मैं डीएसपी प्रवीण सिंह बघेल लोकायुक्त इंदौर से राम बहादुर वर्मा की रिपोर्ट।